नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पेन एटॉमी पर। और एक क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि मुझे अगर पेन का नीब खराब हो जाए तो मुझे कहाँ से लेना है। काफ़ी सारे न्यू कमर्स हैं इस चैनल पर, या फिर जो लोग पहली दफ़ा अपनी फाउंटेन पेन की जर्नी शुरू करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको शायद इसके बारे में पता होगा। जी हाँ, हम बात करेंगे कानपुर राइटर्स के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा निब बनाने वाली कंपनी है। उन लोगों की पेन निब्स वेरियस जो कंपनी है फाउंटेन पेन जो मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग उन्हीं का बनाया हुआ जो निब्स है उसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो लोग उन लोगों का जो निब है वो बाहर में भी जाता रहता है, जो कि दूसरे जो कंपनी से इंडिया के बाहर में वो लोग भी इसी निब्स को इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के पेन पर। तो ये कानपुर राइटर्स जो है उनकी जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी, लगभग 80 के दशक पर, जब उन लोगों ने फाउंटेन पेन की निब्स बनाना शुरू किया। और अभी भी फाउंटेन पेन निब्स के साथ साथ उन लोगों का कुछ बहुत ही बेहतरीन मॉडल है पेन जो है फाउंटेन पेन वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं अक्सर आपने देखे होंगे, अगर आप नए हैं तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि कैन राइट डिज़ायर, कैन राइट हेरिटेज, कैन राइट ज़ाइफर, ये बहुत सारे ऐसे पेन हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पेन्स हैं। तो इसी कंपनी का जो निब सेक्शन है वो भी बहुत ह्यूजली अवेलेबल है इंडिया में। तो कभी भी अगर आपका पेन का निब ख़राब होता है तो एक ना एक रिप्लेसमेंट आपको इस कंपनी से मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्टली इस कंपनी की जो वेबसाइट है वहाँ से निब को ले सकते हैं, या फिर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर शेयर करूँगा जो ओनर की नंबर है, उनसे भी आप व्हाट्सएप में या फिर फ़ोन में बात करके आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकेंगे। तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में निब्स आते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी सारे निब्स को मैंने परचेस किया था, तो इस बार कुछ अलग से कुछ निब्स है जिसको मैं परचेस कर रहा हूँ। हालांकि डिफरेंट निब्स कैसे होते हैं वो सबको लेके भी मैं आपको आगाह करूँगा कि कैसा निब्स होते हैं। तो जस्ट मैं निब्स को अनबॉक्स कर रहा था, तो मैंने सोचा कि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग सोच रहे हैं कहाँ से निब खरीदे इंडिया में, उन लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो ये देखिए, ये है एक्स्ट्रा फाइन निब, ये रेगुलर और ये क्रोम में है। और ये देखिए, ये डबल एक्स्ट्रा फाइन, इसकी दो पीसेस है। और ये देखिए, ये है एक फ्लैक्स निब। तो इस तरह से अलग अलग पैकेट में वो लोग भेजते रहते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे मैंने निब्स खरीदे थे, और प्राइसेस को देखिए ना, कितने कम प्राइसेस है। इंडिडो 35 देखिए, 36 रुपीज़, 67 रुपीज़, तीन पीस के 67 रुपीज़, और काफ़ी कम रेट में आपको बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा मेड इन इंडिया निब्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पहले के कुछ खरीदे हुए निब्स। ये देखिए, बहुत सारे निब्स पहले मैंने ऑलरेडी परचेस में कर चुका हूँ। मैंने काफ़ी सारे मेरे पेंस में रिप्लेस किया है निब्स, क्योंकि इनबिल्ट निब्स कभी कभी अच्छा नहीं होते हैं। तो उसके बाद मैं सबको अलग अलग कैटेगरी में करके मैं अलग अलग करके रखता हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई भी निब खराब होता है, हो सकता है कभी कभी ड्रॉप डाउन होता है, या फिर लिखने के टाइम पे प्रेस हो जाए तो कभी कभी हमारे निब्स टूट जाते हैं, या फिर बीच में से थोड़े से मुड़ जाते हैं, तो अक्सर हमको अच्छा नहीं होता लिखने में। या फिर कभी कभी हम लोग जब नया पेन खरीदते हैं तो उसकी भी आपको अच्छे निब्स नहीं मिलते हैं। तो ये सब निब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये है निब सेक्शंस। तो ये निब सेक्शंस भी आपको मिलेंगे, आपका जोहो का हो, बोक का हो, या फिर आप कैनराइट के खुद के पेन की अगर आप चाहते हैं तो ये सब भी आपको मिल जाएगा। तो क्या होता है, जैसे आपको एक जोहो पेन ख़रीदना है तो विथ जोहो निब लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आप जोहो सेक्शन से पेन को बनाते हैं, और यानी जोहो थ्रेड से आप उसको बनाते हैं, और जो जोहो के जो निब सेक्शन है वो आप कैनराइट से ख़रीद लेते हैं, तो आप कैनराइट का निब लगा के भी उस पेन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। नीचे दिया हुआ नंबर से आप बात करके निब को आप परचेज़ कर सकते हैं। और बस इतना ही था इस वीडियो में। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।